अभी मैंने आपको सरसों का साग काचर के साथ बताया, इसी काचर की लहसुन के साथ चटनी बनती है, बहुत ही चटपटी चटनी बनती है। इसमें हम दही टमाटर कुछ भी यूज नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल और क्विक रेसिपी है। ये देखिए, ये काचर हमारा पिसा हुआ है, बिल्कुल रेडी काचर। ये लाल मिर्च है जो कि मैंने भिगो के पीस रखी है। साबुत लाल मिर्च सूखी वाली ले लो या फ्रेश लाल मिर्च ले लो, जो भी ले लो आप, इसको थोड़ा सा भिगो के और फिर मैंने इसको मिक्सी में पीसा है। और ये लहसुन है, ये देखिए ये लहसुन है, लहसुन की भी अच्छी क्वांटिटी है, बाकी आप कम ज्यादा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसमें नमक डलेगा, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डलेगा और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है इसमें थोड़ी चीनी डलेगी। तो ये हमारी खट्टी मीठी तीखी चटनी आप सबके सामने बनने जा रही है। देखिए जरा, ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, ये चटनी मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों का तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे इसकी जो स्मेल है, धुआं है, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा। इसको मैंने थोड़ा सा हिला दिया, ये देखिए नमक डाल के मैं जब इस कढ़ाई को थोड़ा सा हिला दूंगी तो ये जो तेल का कलर है ये एकदम व्हाइट हो जाएगा, जैसे कोई रिफाइंड तेल में बन रही है। ठीक है, अब इसमें मैं सबसे पहले जो इसको बनाने का तरीका है, ये जो लाल मिर्च है ये मैं लहसुन के ऊपर रख लूंगी और जीरा डालने के तुरंत बाद मैं इस लाल मिर्च को इसके अंदर इस तरह से डालूंगी जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलर जा रहा है हमारा। ये पूरी की पूरी लाल मिर्च है और मैं पूरा लहसुन इसमें डाल दूंगी। ये देखिए पूरा लहसुन इसके अंदर डल चुका है और ये मैं भूल रही हूँ इसको। अब मैं इसमें ये जो बची हुई लाल मिर्च है ये सारी इसके अंदर डाल देती हूँ, सारी बची हुई लाल मिर्ची मैंने इसमें डाल दी और अच्छी तरह से मिक्स करके, और उसके बाद ये पिसी हुई काचरी, जो काचर है हमारा पिसा हुआ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये राजस्थान में इन दिनों में जो मिलता है काचर, इसको मूली के साथ सब्जी बनाते हैं हम, सरसों का साग बनाते हैं, पालक बनाते हैं, बहुत सी चीजों में टमाटर की खटाई की जगह और ये काचर हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये हो गया, इसमें मैं थोड़ा सा नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद मैं लास्ट में इसमें चीनी डालूंगी। ये देखिए ये चीनी जो है लगभग 4 चम्मच चीनी मैंने इसमें डाल दी है, देखिए 4 चम्मच के आसपास चीनी है। आप ज्यादा आपको लगती है तीखी तो आप इसमें 5 चम्मच चीनी डाल सकते हैं। अब जो मैंने इसमें लहसुन पीसा है जार में, ये पूरा का पूरा लहसुन यूज हो जाएगा। इसको मैं शिफ्ट कर रही हूँ लाल मिर्च के अंदर, ये देखिए लाल मिर्च में ये सारा पानी मैंने शिफ्ट कर दिया लहसुन का, और इसमें बची हुई लाल मिर्ची जो है सारी सारी हमारी चटनी के अंदर चली गई है। ये देखिए इस तरह से सारी ये हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। 2 से 3 मिनट हम इसे पकने देंगे और चटनी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसमें भी मैं थोड़ा सा घी यूज कर रही हूँ, लगभग 1 चम्मच घी डाल रही हूँ मैं इसमें। ये हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए साइडों से ऑयल निकल गया है, बिल्कुल रेडी हो गई है अच्छी तरह से भून के, और अब हम इसे खाने में यूज कर सकते हैं। ये चटनी 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं।